तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा वेरीफाइड होने के लिए अप्लाई किया। लेट्स सी, उनका कहना है कि 2 दिन 3 दिन लगेंगे। डे 2 मुझे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं है, गवर्नमेंट बेस्ड आईडी उसको सेंड करनी पड़ी। लेट्स सी, बाय द वे मैं काम पे जा रहा हूँ। तो बिल्कुल अभी अभी आई केम अक्रॉस द न्यूज़ के मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। उसके पीछे एक स्टोरी है, लेट मी टेल यू। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी ये वीडियो देखें। वो बात ये करनी थी मैंने कि इस अपेयरेंस को, मेरे इस माय फेशियल अपेयरेंस को इस चीज़ पे मत ले लेना कि भाई का अकाउंट वेरीफाई हो गया तो भाई इसने खत तो नहीं है। ये मेरे इस वीकेंड स्केड्यूल थे। खैर ये स्टोरी थी, अब आप सुने द स्टोरी ऑफ मेटा वेरीफिकेशन एज नोन एज द ब्लू टिक टू द इंस्टाग्राम। तो ये सिस्टम है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है मुझे सेलिब्रिटी फीलिंग्स, तो वो तो किसी को भी आएंगी आउट ऑफ नोवेयर अगर आपको एक ब्लू टिक मिल जाए तो। एनीवेज, बात हो रही है मेटा वेरिफिकेशन एज नोन एज ब्लू टिक, एज नोन एज सेलिब्रिटी मार्क, क्या क्या नाम दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? मेटा वेरिफिकेशन जो है अभी अभी लाइक कुछ मंथ्स अगो लेट फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था, जिसमें ये था कि आपको ये सब्सक्रिप्शन, लाइक पहले बता दो ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी आपको, जिसके कुछ बेनिफिट्स हैं और 2-3 फायदे हैं। तो ये हमारे मार्क जिंगरबर्गर साहब की स्कीम थी कि जो थोड़ी बहुत कमाई रह गई है इनके पास वो भी हमें मिल जाए। खैर ये सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ अभी 3-4 कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US एंड UK। तो अगर हम बात करें UK की, तो यहाँ पे इस सब्सक्रिप्शन की प्राइस है, रहने दे। स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट से। फर्स्ट बेनिफिट, अकाउंट वेरिफिकेशन, कि यार ये आप ही हो। अकाउंट सिक्योरिटी होती है, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स मिलते हैं, लाइक स्पेशल स्टिकर्स जो कि सिर्फ इसी सब्सक्रिप्शन वालों को मिलेंगे। इवन उनके पास भी नहीं होंगे जो ऑलरेडी इस स्कीम से सब्सक्राइब थे, लाइक जो ऑलरेडी वेरीफाइड थे उनके पास भी वो नहीं होंगे। 100% ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो ऑलरेडी यानी पहले से फ्री वेरीफाइड थे उनके पास ये बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो भी मेरी तरह या उनकी चॉइस ऑब्वियसली, अगर वो कर सकते हैं नहीं, अगर वो करेंगे इस तरह मेरी तरह सब्सक्राइब, तो उन्हें भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। उनका टिक टिक ही रहेगा वहीं पे, लेकिन उन्हें अगर ये बेनिफिट्स चाहिए हैं तो उन्हें इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेशक नो मैटर उनका ऑलरेडी वेरीफाइड है। ये मैं ऊपर बताना भूल गया था, मुझे अभी याद आया व्हाइल एडिटिंग, आई नीडेड टू से इट। सो दैट मींस वी आर स्पेशल इंस्टाग्रामर्स, सो द चौड़ा नो। फिर एक्सपेंडेड रीच, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्राइस हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि ओनली 4 कंट्रीज में आया, तो डिफरेंट करेंसी रेट की वजह से डिफरेंट प्राइजेस होंगी। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे तुझे क्या सिक्योरिटी चाहिए, तेरा अकाउंट वेरीफाई हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, स्टिकर्स का अचार डालना है, तुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई तो कोई करता नहीं है, तो IT सपोर्ट ह्यूमन एजेंट्स क्या करेंगे। तो कुछ लोग खुद को ये कहकर कोसेंगे, तो भाई आपने खुद को यही रिप्लाई करना है कि ना करो। अच्छा एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, आई डोंट नो कि अभी ये स्कीम फ्रेश है, हो सकता है कुछ अरसे बाद ये हटा दें। दैट मींस कि जैसे ट्विटर में हुआ था कुछ अरसा पहले कि पेड सब्सक्रिप्शन मिल रही थी ब्लू टिक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, काफ़ी रीजंस उठे थे कि जिसकी वजह से ट्विटर के ऑनर को ये स्कीम हटानी पड़ी। तो ये भी हो सकता है इंस्टाग्राम के साथ, अगर नहीं तो अच्छा है। खैर मुझे नहीं लगता लाइक मैं एक मंथ से ज़्यादा रखूँगा, पैसे जाते हैं यार। अच्छा क्वेश्चन इसके, अगर आपकी जेब ने इजाज़त दे दी है और आप कहते हो कि भाई हमें भी चाहिए वो सेलिब्रिटी लुक, तो ये 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि हु कैन अप्लाई। योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल पर्सन, लाइक आप ही होने चाहिए, लाइक आपके अकाउंट के 300-400 अकाउंट्स ना बने हो और उसमें आप डिफरेंट बिजनेस नेम से चला रहे हो, कुछ कंपनी खोली हो, नहीं ऐसा नहीं है। फ्रेश अकाउंट्स भी होने चाहिए कि जिसमें अगर आपने कुछ अर्सा पहले अकाउंट बनाया है, कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई यूसेज नहीं है, आप फ्रेशी लाइक अकाउंट बनाया और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, नहीं, दे चेक, वो आपका अकाउंट चेक करते हैं और रियल ह्यूमन सपोर्ट ही चेक करती है। आपको 18 प्लस होना चाहिए, यू मस्ट लिव इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और UK, AKA यूनाइटेड किंगडम। तो मतलब अभी मैं पाकिस्तान में होता तो मैं इंतजार ही कर रहा होता और मैं अपने किसी यहाँ बैठे दोस्त को देख के कह रहा होता, जैसे मेरे दोस्त मुझे कर रहे हैं। अगर देख रहे हो आप लोग तो कसम से बड़ा मजा आया था मुझे आपके रिप्लाईज देखते हुए। तीसरी चीज, यू मस्ट नॉट वायलेट कम्युनिटी गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनके। चौथी चीज, कि आपका फुल नेम आपकी आईडी पर होना चाहिए, दैट मैचेस विद योर गवर्नमेंट इशूड आईडी।
कि आपके अकाउंट की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होनी चाहिए। जिसको नहीं पता वो ये होती है कि अगर आपका अकाउंट आपके फ़ोन में खुला हुआ है, अगर आप किसी दूसरी डिवाइस पे खोलना चाहोगे जिस डिवाइस पे आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर की हुई है उस पे कोड आएगा, देन वो कोड आप दूसरी डिवाइस पे कॉपी करके पेस्ट करोगे तब आपकी आईडी उस डिवाइस पे खुलेगी। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जैसे कि आपकी पोस्टिंग है, आपकी यूजेज जो है वो इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आज अकाउंट बनाया और सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे ब्लू बैच दूर ने, थोड़े पुराने होने चाहिए यार। जैसे मैं 2016-15 से यूज़ कर रहा हूँ, 17-16 जो भी है। उसे आपस की बात है, मज़ा बड़ा आता है। देखो एक चीज़ जिस बंदे को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुई, कभी नहीं मिली, वो उसे तब पसंद आती है जब वो उस चीज़ में फ्रेश ही होता है, जब उसे नई नई मिलती है। वो चीज़ पुरानी हो जाती है, उस चीज़ का बंदा आदी हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये रखूँगा, ज़्यादा देर पैसे लगते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मेरा रूम मैसी देख रहे हैं, अब ये मेरी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि पर्दा नहीं लगा हुआ और ये वो सब कुछ, मैं बहुत लेजी अभी आपको अराउंड यहाँ पे पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा। अभी ये ट्राईपॉड मैंने लिया, इसका ये मैंने माउंट ऑर्डर करना है, और फिर एक कंप्यूटर टेबल चाहिए, फिर मैं मैकबुक लेने के चक्करों में, और यहाँ पे सारे पैसे लग रहे हैं। एक चीज़ भूल गया, मुझे एक मैसेज आया कि आप डेली पोस्टिंग क्यों नहीं करते। यार डेली रिकॉर्डिंग तक नहीं होती तो डेली पोस्टिंग कैसे करो। या तो ये हो ना कि ज़िंदगी से आप हज़ार ऐसे पाकिस्तान में बैठे होते हैं और कुछ काम ना होता सिवाय दही लाने के, तो फिर मैं भी इस इक्विपमेंट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ, ये चीज़ें मुझे मिल जाती, मैं डेली ब्लॉगिंग करता। लेकिन आई न्यू कि ये पाकिस्तान में रहते हुए नहीं था हो सकता कभी भी कि मुझे ये इक्विपमेंट्स मिले, टाइम बहुत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई फील आई होप कि आई वोंट स्टॉप। नाश्ता मज़े करता।